हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मैं न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम, अभी मैं पूजा करके हटी हूँ, नहा के पूजा कर लिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना मेकओवर करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे बाल भी गीले हैं। तो कंघी तो नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी बाल गिरे और मुझे लेट भी हो रहा है बच्चों का नाश्ता और लंच तैयार करने के लिए। तो फटाफट से थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी और थोड़ा सा सिंदूर, क्योंकि मेरे बाल अभी आज ही धोए हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा सिंदूर लगा लूंगी और उसके बाद चलूंगी जो है किचन में। तो आप सभी का वेलकम है और आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, मतलब हो गई है मेरी भी। तो आजकल ना वही है ना कि व्लॉग में क्या डालें क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है, और आप लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहे मेरे व्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग ना देखते नहीं हो व्लॉग, तो प्लीज़ देखा कीजिए। और हमारी इतनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, एक व्लॉग बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है आपको मतलब किसी और को पसंद आए मेरा व्लॉग। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा पास्ता जो है उबल चुका है, तो देख सकते हो आज मैं बना रही हूँ मैं पास्ता बच्चों के लंच के लिए, स्कूल ले जाने के लिए टिफ़िन में। और इसी को मतलब थोड़ा बहुत खा लेंगे, वैसे बच्चे खाते नहीं हैं सुबह सुबह, लेकिन इसी को थोड़ा बहुत खाने के लिए भी दे दूँगी और जो है लंच के लिए भी पैक कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज बच्चे लंच में जो है पास्ता लेके जाएंगे। तो बच्चे वैसे भी पास्ता वगैरह लेके नहीं जाते, पहली बार मैं लंच में या दूसरी बार लंच में जो है बच्चों के टिफ़िन में रखूँगी पास्ता। तो क्यों नहीं देती हैं, क्योंकि बच्चे ले ही नहीं जाते हैं, और जो है क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, पता ही है, फिफ्थ क्लास में, मतलब सिक्स क्लास में, एक एट क्लास में है बेटी। तो सारे फ्रेंड्स जो है पास्ता ख़त्म कर देते हैं फटाफट से, तो इसलिए वो सोचते हैं कि वही लेके जाए जो हम खा सके। तो सभी शेयर करके खाते हैं, तो मेरी जो है पास्ता वगैरह कुछ ज़्यादा ही बच्चों को पसंद आता है, तो वो सारा ख़त्म ही हो जाता है, खाने को भी नहीं मिलता है। तो चलिए इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और डालूंगी हरी मिर्च, और सरसों के तेल में मैं तड़का लगा रही हूँ। और जो है ये पास्ता मैं कान्हा को भी भोग में भी दूँगी, क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालने वाली हूँ कि मतलब सिंपल सा पास्ता भी मैं बनाती हूँ, मतलब मैं घर पे कभी भी प्याज लहसुन का तो प्रयोग करती ही नहीं हूँ। और जब से हमारे लड्डू गोपाल आए तब से नहीं, मतलब कुछ सालों से लहसुन प्याज का मैं प्रयोग नहीं, जब से मेरे बड़े वाले ठाकुर जी आए तब से मैंने प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, क्योंकि मैं सॉस अभी नहीं डालूंगी, सॉस भी डालूंगी लेकिन अभी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे कान्हा को भी खिलाना है, तो इसलिए पास्ता में सॉस नहीं डालूंगी। उसमें मैं डालूंगी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जो है धनिया पाउडर, मतलब घर के जो मसाले रेगुलर के हैं वही डालूंगी, और उसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और मैं थोड़ा बहुत नमक उस पास्ता में भी डाला हुआ था जब उबाले थे तब। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें धनिया पाउडर और मसाले वगैरह डाल दूंगी मैं, और थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही होगी, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरे जो है काम पे फोकस कीजिएगा आप लोग। और इसमें मैं थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है, जो मसालों का राजा होता है वही डाल दिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और इसमें डालूंगी विनेगर, तो विनेगर अच्छा होता है तो इसलिए, और तो मैंने विनेगर डाल दिया थोड़ा सा इसमें, जिससे थोड़ा सा खट्टा सा लगेगा और अच्छा लगता है पास्ते में अगर आप विनेगर डालते हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसमें तेल थोड़ा सा निकल गया, मतलब अच्छे से मसाला पक गया है, तो इसमें डालूँगी मैं पास्ता। और पास्ता मैंने मतलब छन्नी से छान लिया था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत जो है पानी रह जाता है, तो ये देखिए। तो फिर मैं इसको हाथों से करके अच्छे से पानी निकाल दूंगी पहले, फिर डालूंगी पास्ता को। और पास्ता को मैंने ठंडा कर लिया था, ठंडा पानी डाल के, मतलब नॉर्मल जो पानी होता है नल का वही पानी डाल के मैंने उसे ठंडा भी कर लिया था अच्छे से, ताकि ठंडा हो जाए तो पास्ता टूटे ना और गले ना, एकदम खिले खिले से पास्ता बने। अक्सर देखते हैं बाहर का पास्ता जो होता है बढ़िया खिले खिले होते हैं, लेकिन घर का कई बार होता ना अजीब सा हो जाता है, लेकिन ठंडा पानी डाल दो ना इसमें तो पास्ता जो है वैसे जैसे उबले होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं, गलते नहीं है, नहीं तो पास्ता गल जाता है कई बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और इसमें सारा कुछ डाला हुआ है, तो इसमें मैं पहले कान्हा के लिए निकाल दूंगी,
पास्ता को उनको दिखा खिला दूंगी और फिर इसमें डालूंगी मैं मेयो। तो मेयो हमारे घर में जो आता है उसमें लहसुन प्याज नहीं है, और मैं पूरे जो उस पर लिखे होते हैं पूरा चेक करके तभी खरीदती हूँ सामान को कि इसमें कोई लहसुन और प्याज तो नहीं है। तो मैं पूरा चेक करके ही सामान लेकर आती हूँ घर पर। तो मेयो डाल दूंगी, और मेयो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा बेटे को तो पास्ता में वो मेयो ज़रूर चाहिए होता है उसके। तो इसमें डाल दूंगी और अच्छे से पका लूंगी मिक्स करके। तो चलिए, और किस किस का पास्ता पसंदीदा है, किसके किसके बच्चों, अक्सर बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए उसके बाद प्लेट में निकाल दूंगी कान्हा के लिए और फिर इसमें डालूंगी मैं। तो ये देखिए, तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है मेयो, और ये बिना प्याज और लहसुन का है, तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, सिर्फ सिरका पड़ा हुआ है इसमें जो, और कुछ मसाले डाले हुए हैं, मतलब सिर्फ इसमें मतलब कुछ वैसी चीज़ें नहीं पड़ी है, बहुत ही अच्छा है मतलब। और इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और फिर उसके बाद बच्चों को निकाल दूंगी क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी मुझे पैक करना है फटाफट से, और काफ़ी टाइम हो गया। तो आज क्यों मेरे घर में पास्ता पड़ा, क्योंकि आज मेरे घर पे ही हैं और उनको नहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के लिए लंच में मैं पास्ता डाल देती हूँ। हमेशा रोज़ पराठा और रोटी पराठा बस यही लेके जाते हैं, कभी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाते हैं बच्चे। तो कभी कभी होता है दे देना चाहिए बच्चों को, उनका जो है उनका भी चेंज हो जाता है टिफ़िन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक है पास्ते तक, और आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग भी आ जाइए पास्ता खा लीजिए सभी मेरी फ्रेंड। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे, राधे राधे सभी को।